हम पहुंच चुके हैं आज गाड़ी जनपद के विकास खंड सदार में पहुँच चुके हैं और यहाँ पे आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम बहुत सफलता पूर्वक चल रहा है। आज गाजीपुर जनपद के विकास खंड सादात में आज नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख कवली देवी एवं नव निर्वाचित सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विशाल सिंह चंचल एमएलसी कार्यक्रम के अध्यक्षता, राम समूह यादव प्रधान संघ ब्लॉक अध्यक्ष, कमलेश सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख, धर्मदेव यादव पूर्व ब्लॉक प्रमुख, संतोष यादव पूर्व ब्लॉक प्रमुख, भारतीय जनता पार्टी पूर्व जिला अध्यक्ष विजेंद्र राय, संदीप सिंह सोनू, अजय सहाय, डॉक्टर अनिल राय सहित काफ़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्तागण एवं ग्रामीण अंचलों के लोग उपस्थित थे। सुरक्षा की दृष्टि से सदा थाना अध्यक्ष रामाश्राय राय मय फोर्स के साथ थाना बहरियाबाद में फोर्स के साथ महिला पुलिस कर्मियों के साथ मुस्तैद थे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद प्रथम बैठक की गई जिस पर विकास पर चर्चा की गई। आज से सदा ब्लॉक विकास की ओर बढ़ेगा। गाजीपुर सदा से अजीत पांडे की रिपोर्ट। हाँ सर जी, आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम जो हुआ है इसमें विशेष योगदान किसका रहा? वैसे तो सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने मिलकर जी क्षेत्र पंचायत प्रमुख का चुनाव किया जी, तो योगदान तो सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों का रहा है जी, लेकिन इसका नेतृत्व विशेष रूप से पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्रीमान यादव जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्रीमान कमलेश, उन लोगों ने नेतृत्व किया। उनके साथ सभी ग्राम प्रधान, सभी बीडीसी सदस्य और क्षेत्र के सम्मानित लोग मिल करके केवली देवी को ब्लॉक प्रमुख बनाने में अपना सहयोग दिए और आज के दिन मैं सभी सादात विकास खंड के सभी आम नागरिकों को, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को, ग्राम प्रधानों को और जिनके मार्गदर्शन में, जिनके नेतृत्व में यह पूरा चुनाव संपन्न हुआ, उन सभी अभिभावकों का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, सबको शुभकामना देता हूँ और सबसे अपेक्षा करता हूँ कि सारे लोग मिलजुल करके विकास खंड सादात को पूरे गाजीपुर में आदर्श विकास खंड बनाने में अपना योगदान दें। प्रगति मिलेगी और सादात ऐसे ही प्रगति करें। हम लोग उम्मीद करेंगे कि जितने भी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनके जो समस्याएं हैं वो केवली देवी जी उनके अनुरोधों को सुने और जो भी विकास के कार्य हैं, जो भी बजट सरकार द्वारा प्रमुख हो रहा है उस विकास कार्य को खर्च करें ताकि फिर से इस क्षेत्र का अच्छे से विकास हो।